हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फोरवे लाइक्रा लोअर के बारे में। एक लोअर को बनाने में कितना खर्चा आता है, कारीगरी क्या लगती है, कटिंग क्या लगती है, रॉ मटेरियल कितने का लगता है, और प्रेस में कितना खर्चा आता है, और कपड़ा कितने का लगता है एक पीस में। तो ए टू जेड सारी चीज़ें बताएंगे। ये वीडियो उनके लिए है जो नया सेटअप लगाने जा रहे हैं, नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उन्हें नॉलेज नहीं होती है। तो ये वीडियो नॉलेज पर्पस के लिए है। तो दोस्तों, मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास फोरवे लोअर है। ये इस तरीके के लोअर होते हैं फोरवे में, और ये लाइक्रा होता है, स्ट्रेचेबल होता है। ये देखिए कितना खिंच रहा है ये देखिए, इसे बोलते हैं फोरवे। मार्केट में क्या है दोस्तों, टूबे को फोरवे कह के बेच रहा है। देखिए स्ट्रेच, देखिए इसे बोलते हैं फोरवे, और ये यहाँ से भी खिंचेगा। ये देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं फोर वे। दोनों साइड से खिंचेगा, यहाँ से भी खिंचेगा और ये यहाँ से भी खिंचेगा। बिल्कुल रबड़ होता है ये देखिए, ये होता है फोर वे। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, और एक लोअर हमें कितने का पड़ता है, और मार्केट में हम इसे कितने का बेचते हैं। क्योंकि कुछ भाई हैं हमारे जो नए हैं, काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको नॉलेज नहीं है इस बारे में, और वो फोरवे टूबे लाइक्रा बनाना चाहते हैं। तो हम बताएंगे ए टू जेड सारी बातें, स्टेप बाय स्टेप। आप पूरी वीडियो देखना तभी आप समझ पाएंगे। और जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है, और इसको मार्केट से ना जोड़ें, क्योंकि ये जो रेट मैं बता रहा हूँ, मैं अपने लोअर के बता रहा हूँ। मेरे पास जो क्वालिटी है मैं इसके बता रहा हूँ, और जो रेट होता है वो क्वालिटी पे निर्भर करता है। आपके पास क्या क्वालिटी है और क्या रेट आप कपड़ा लेकर आए हैं, तो जो मैं रेट बताऊँगा वो अपने इस फैब्रिक के बताऊँगा, और जो आप मार्केट में देखेंगे उसकी हो सकता है डिफरेंट क्वालिटी हो। तो इससे बिल्कुल भी ना जोड़ें। कहीं आप ये ना सोचें कि भाई आपने तो इतना रेट बताया और मार्केट में तो ये किसी और ही रेट में बिक रहा है। तो ये क्वालिटी पे निर्भर करता है कि उसकी क्वालिटी क्या है। ये भी फोरवे है और मार्केट में होगा, वो भी फोरवे होगा। हो सकता है वो इससे थोड़ा लो क्वालिटी में हो या इससे बढ़िया क्वालिटी में हो, क्योंकि फोरवे की बहुत सारी क्वालिटी आती हैं, और ये एक मीडियम क्वालिटी है। ये करीब 240 GSM का फैब्रिक है। तो मैं इसके रेट बताऊँगा आपको, इसकी कॉस्ट निकाल कर दिखाऊँगा कि ये मुझे कितने का पड़ रहा है और मैं मार्केट में कितने का बेच रहा हूँ। और आप अगर सिलेंगे यही सेम क्वालिटी तो आपको भी इतने का ही पड़ेगा, और 2-4 रुपए ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं मैं अभी क्या क्या बना रहा हूं। यहां पर ये देखिए, ये हुडी है सारा, ये हुडी बना रहा हूं मैं अभी। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और इसकी सेल अगले महीने से बहुत अच्छी होने वाली है, नवम्बर से। ये हुडी बना रहा हूँ मैं, और यहाँ पर ये देखिए टूबे लोअर लगा है, टूबे बना रहा हूँ मैं इस समय। और ये ताइवान लोअर है, ये अच्छी क्वालिटी में फोरवे होता है, ये ताइवान में है। और यहाँ पर ये एनएस लोअर है, एनएस बना रहा हूँ मैं इस समय। और ये फोरवे पैंट है, ये देखिए ये फोरवे पैंट है, सारी फोरवे पैंट बना रहा हूँ इस समय, ठीक है। और यहाँ पर मैं आगे आपको दिखाता हूँ, ये नेकर लगा है मेरे पास, टूबे नेकर, इसकी भी सेल है अभी मेरे पास, तो ये मैं बना रहा हूँ। और ये है फोरवे लोअर, जो अभी मैं आपको जिसके बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी कॉस्ट निकाल कर दिखाने वाला हूँ। ये फोरवे लोअर है, ये सारा लोअर है, इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है मेरे पास, और इसकी भी सेल बहुत अच्छी हो रही है इस समय। और यहाँ पर ये देखिए, ये भी एनएस लगा है, और ये फोरवे है, यहाँ पर ये भी फोरवे है। ये दोस्तों सारे सैंपल हैं इस समय, और इसका जो स्टॉक है वो अंदर लगा हुआ है रूम में। तो दोस्तों ये है हमारे पास फोरवे, और इसकी कॉस्ट मैं आपको निकाल के दिखाने वाला हूँ। ये देखिए ये फोरवे लोअर है सारे, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। तो चलिए अब इसकी कॉस्ट निकालते हैं। तो कॉस्ट निकालने से पहले मैं आपको बता दूँ, हम बेचते हैं एम एल एक्सल, तो हम जो बीच का होता है एल, उससे हम कॉस्ट निकालते हैं। तो ये एल साइज है, इससे हम कॉस्ट निकालेंगे, या आप चाहें तो एम एल एक्सल तीनों मिलाकर भी वजन कर सकते हैं, उसके हिसाब से भी आप कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे एल साइज से। तो पहले दोस्तों आप इसमें काम देख लीजिए कितना है।
ठीक है, इसमें कोई काम नहीं है, बिल्कुल सादा सिंपल है ये। केवल इसमें ये चैन लगी हुई है, टिकट पॉकेट बोलते हैं जिसको, ये लगी है, बाकी इसमें कोई डिजाइन नहीं है, बिल्कुल सादा सिंपल है ये। तो चलिए अब इसका वेट करते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों इसको कर लेते हैं फोल्ड इस तरीके से, जिससे वेट करने में कोई दिक्कत ना हो। अब इसे मशीन को करते हैं ऑन, यहाँ पे रखते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों इसका वेट है 280 ग्राम। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, ये हमें क्या रेट पड़ा है फैब्रिक और इसमें कपड़ा कितने का लगा है। तो दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया है हमने, अब आपको दिखाते हैं। यह है हमारे पास 4 वे फैब्रिक, ठीक है, और ये 240 GSM का 4 वे है, और ये फैब्रिक हमने लिया था 245 रुपये किलो। इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें GST भी है, किराया भी है, और टोटल अमाउंट ये मैंने जोड़ा है इस पर 245 रुपये किलो मुझे पड़ा है टोटल अमाउंट, GST प्लस किराया लगा के, ठीक है। अब इसमें हमारा कपड़ा लगा 280 ग्राम एक लोअर में, और ये एल साइज का लोअर है, तो 280 × 245 रुपये kg, ठीक है, तो ये हमें पड़ा 68 रुपये 60 पैसे का कपड़ा लगा हमारा इस एक लोअर में, और इसकी कारीगरी है 18 रुपये। ये डी पॉकेट में है तो इसकी 18 रुपये कारीगरी लगती है, और अगर इस चैन में बनवाते हैं, ये देखिए साइड चैन में, तो इसके 2 रुपये बढ़ जाते हैं, इसकी कारीगरी है 20 रुपये। तो ये डी पॉकेट का कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, तो मैं डी पॉकेट का आपको बता रहा हूँ, कारीगरी 18 रुपये, कटिंग का 4 रुपये, और इसमें लास्टिक लगी है 4 रुपये की, और स्टिकर लगा है इसमें 1 रुपये का, और चेन लगी है इसमें 1 रुपये 20 पैसे की, नाड़ा लगा है इसमें 2 रुपये का, तो धागा प्लस लाइट 2 रुपये, टैग लगा है 50 पैसे का, और इसमें पन्नी लगी है 2 रुपये की। तो पन्नी मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, देखिए पन्नी हम इस तरीके की लगाते हैं, इसमें ओनली ब्रांड, ये करीब पन्नी हमें पड़ती है 1 रुपये 60 पैसे की, और एक हम मास्टर पैकिंग इसमें करते हैं, ऊपर से लगाते हैं, तो करीब पन्नी का खर्चा हमारा आ जाता है 2 रुपये पर पीस, ठीक है। तो ये पन्नी है, इसमें हम पैक करते हैं, प्रेस प्लस पैकिंग 3 रुपये, यानी इस 3 रुपये में सारा कुछ आ जाता है, प्रेस भी होगी और पैकिंग भी होगी, और ये नाड़ा डलाई स्टिकर चिपकाने का, ये सब 3 रुपये में काम हमारा हो जाता है। तो 3 रुपये ये हमने जोड़ दिया, और इसमें गत्ता लगा है 50 पैसे का। तो गत्ता मैं दिखा दूं आपको दोस्तों, गत्ता ये होता है, ये इसके अंदर लगाया जाता है पैकिंग करते हैं तो, जिससे प्रेस ख़राब ना हो इस वजह से, ठीक है। तो 50 पैसे का इसमें गत्ता लगाया है, तो ये टोटल अमाउंट हमारा होता है 106 रुपये 80 पैसे, तो 107 रुपये हम मान लेते हैं। तो दोस्तों कुछ लोग कहेंगे आपने इसमें वेस्टेज तो जोड़ा ही नहीं, तो मैं आपको बता दूं, वेस्टेज के बदले जो है हमने इसमें ये लास्टिक और नाड़ा, ये टैग वगैरह, इनका सबका वेट कर लिया है, और इसमें चैन भी लगी है, तो उनका और वेस्टेज का वेट सब सेम होता है। वेस्टेज के बदले हमने इन चीज़ों का वेट इसमें कर लिया है, तो आप ये ना कहें कि आपने वेस्टेज नहीं जोड़ा, इसलिए मैं बता रहा हूँ वेस्टेज का जो है वो वेट हो चुका है, ठीक है, वेस्टेज का वेट इसमें हो चुका है। दोस्तों इस तरीके का लोअर बनाने में करीब हमारा 107 रुपये खर्च होता है, और इसमें कोई ज़्यादा डिजाइन नहीं है, ये सिंपल डिजाइन है, 107 रुपये का ये पड़ता है हमें। अब बात करते हैं ये सेल कितने का होता है, तो ये हमारे पास सेल होता है 120 रुपये का, 120 रुपये का ये सेल होता है, और ये जो साइड चैन में होता है ये हमारे पास सेल होता है 125 रुपये का। बाकी मार्केट का सबका अलग अलग रेट है, और उनकी अलग अलग क्वालिटी होती है, जो इसकी क्वालिटी है इसका रेट मैंने आपको बताया, जो मार्केट में सेल होता होगा उसकी क्वालिटी कुछ और होगी, तो उसका रेट भी अलग होगा, लेकिन इसकी क्वालिटी मेरे हिसाब से बेस्ट है। आप फिनिशिंग देख ही सकते हैं, और मैंने इसकी स्ट्रेच भी आपको दिखाई थी, कितनी अच्छी स्ट्रेच थी। दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो जल्द मिलेंगे फिर इसी तरह की एक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।
जय हिंद दोस्तों।